नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का हीरक जयंती वर्ष जो लखनऊ में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते लखनऊ में ना होकर सभी जिला मुख्यालयों पर आज मनाया गया, जिसकी मुख्य अतिथि सदर विधानसभा की विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत रही। इस अवसर पर संगठन की तरफ से विधायक सहित मंचा सिंह सभी पदाधिकारियों का संगठन की तरफ से माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक के मार्फत संगठन के लोगों ने अपनी 16 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन लोगों ने लैपटॉप और मैन पावर की मांग किया ताकि हम भविष्य में बेहतर कार्य कर सकें। इस दौरान इन लोगों ने बताया कि मीटर रीडिंग का कार्य करने वाले लोगों का नियंत्रण हम लोगों का नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों का कार्य बाधित होता है। इसके साथ ही लाइनमैन और अन्य मैन पावर की नियुक्ति तत्काल हो, जिससे विभाग का कार्य और तीव्र गति से आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों निजीकरण की जो मांग उठाई गई थी, उसके बाद विभाग के द्वारा हम लोगों को जो दायित्व सौंपा गया, हम लोग उस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं और उस कार्य को देखते हुए अब ऐसा नहीं लगता है कि सरकार विभाग को फिर से निजीकरण के बारे में सोचे। उसको हम चाहते हैं कि शासन हमें समराइज करे और हमें उपभोक्ता सेवा का बेहतर अवसर प्रदान करे। इस संदर्भ में हमारा जो मुख्य मांग पत्र है, उसके अकॉर्डिंग हमको लैपटॉप दिया जाए, हमको मैन पावर दिया जाए, हमारे अपने विभागीय मीटर रीडर नियुक्त किए जाएं, हमारे नीचे जो श्रमिक हैं उनकी नियुक्ति पूरी तरह से बंद है, श्रमिक लाइनमैन की नियुक्ति की जाए, हमें मैन पावर देके हमारे और अभियंताओं को मैन पावर इतना इफिशियंट किया जाए कि वो उपभोक्ता बिलिंग करेक्शन के लिए कैपेबल हो जाएं। क्योंकि विभाग की ये व्यवस्था बन गई है कि प्राइवेट मीटर रीडर नियुक्त किए जा रहे हैं और उन पर हमारे और अभियंता का सीधा कोई नियंत्रण होता नहीं है, वो सीधे मुख्यालय से गवर्न होता है और सारी उसकी देनदारी मुख्यालय से ही कंट्रोल होती है। तो चूँकि धरातल स्तर पर जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो हमारा और अभियंता है, और उसको हमको जब हम फ्लेक्सिबल जोन नहीं देंगे या उसको अधिकार नहीं देंगे प्राइवेट के मीटर रीडर को नियंत्रित करने के लिए, तो हमारे और अभियंता आउटपुट कैसे निकालेंगे। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उस मीटर रीडर को हमारे और अभियंता के अधीन नियुक्त किया जाए और उसके नियंत्रणाधीन होने पर ही वो उपभोक्ता सेवा बेहतर हो सकती है। हमारी 4800 ग्रेड पे की डिमांड है कि 4800 ग्रेड पे विलुप्त किया जाए और 5400 सीधे सीधे प्रथम समयबद्ध वेतनमान 5400 किया जाए, द्वितीय वेतनमान समयबद्ध वेतनमान अधिशासी अभियंता के इक्विवेलेंट 6600 और तृतीय समयबद्ध वेतनमान 8700 किया जाए। ये पूर्व की व्यवस्था रही है। चूंकि बीच में 4600 हमारा और अभियंताओं का ग्रेड पे निर्धारित कर दिया गया है, तो 4800 ना होके 4800 बीच में एक ग्रेड पे आता है जिसको बिलो ओपन करने की जरूरत है, जिससे सीधे सीधे जो समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था रही है, प्रथम समयबद्ध वेतनमान सहायक अभियंता का रहा है और वो सहायक अभियंता का वेतनमान 5400 आता है, तो वो 5000 हमारी मांग है कि 46 के बाद सीधे 5400 दिया जाए, 4800 को विलोपित किया जाए। ऐसे में संतोष जी, जैसा कि पिछले दिन निजीकरण बिजली विभाग निजीकरण की बात चल रही थी, सरकारी तरफ 3 महीने की मोहलत भी मिली थी, विभाग भी लगातार काम कर रहा है, लगातार उसके इनपुट भी आ रहे हैं, ऐसे में अब क्या लग रहा है आगे की उम्मीद क्या लग रही है कि क्या सरकार निजीकरण की तरफ जाएगी या आपके कार्यों को महत्व देगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने हमारी उपयोग और हमारे यूटिलिटी को सरकार ने बखूबी स्वीकार किया है। हमारी प्रतिबद्धता, कार्य के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको आत्मसात किया है और महसूस किया है। और निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मिनी सदन बैठा के शासन ने हमारे प्रति विश्वास जताया है, हम निश्चित अपने संगठन की तरफ से, अपने कामगार साथियों की तरफ से, मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम पूरा अपना 100% पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ वो अपना आउटपुट देंगे और इस विभाग को बहुत आगे लेके जाएंगे। शासन को दोबारा ऐसा कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।